अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपसे एक और विंटर के हवाले से हॉट ड्रिंक शेयर कर रही हूँ, क्लियर सूप, जो कि सर्दियों में हमें बहुत अच्छा लगता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इसके अंदर एक टीस्पून बटर, एक ही टीस्पून हम ऑलिव ऑयल लेंगे। ये मेरे पास कुछ गरम मसाले हैं, हाफ टी स्पून काली मिर्च है, दो से तीन दालचीनी, एक बड़ी इलायची, एक छोटा पीस जायफल का, एक टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा है, एक फूल बादियान, चार लौंगे और चार ही छोटी इलायची। इसको हम सबसे पहले थोड़ा सा ऑयल और बटर में हम गरम कर लेंगे, जिससे इसके सारे फ्लेवर्स जो है ना इसमें आ जाएंगे। ये मेरे पास फ्रेश हल्दी है, आप पाउडर हल्दी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्वार्टर टीस्पून। दो तेज पत्ते हैं, अब आधा किलो ये मेरे पास चिकन है, ये सारे विंग्स और हड्डी वाली पोर्शन है चिकन के। इसको हम बटर और ऑयल में अच्छी तरह सौते कर लेंगे, इतना कि इसका कलर चेंज हो जाए और पानी भी खुश्क हो जाए। ये देखें, चिकन का कलर चेंज हो चुका है और इसका पानी भी बिल्कुल खुश्क हो गया। अब इसमें मैं ये गरम पानी इसमें डाल रही हूँ, इतना पानी डाल दें कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल इसके अंदर डूब जाएं। तकरीबन ये 8 कप के करीब पानी। अब ये मेरे पास कुछ सब्जियां हैं, ये मेरे पास 3 हरी प्याज है, ये मैं इसमें डाल रही हूँ, 2 छोटी गाजरें हैं, 3 से 4 ये लहसुन के जवे हैं, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 1 छोटा टमाटर है जिसको मैंने काट लिया है, और 2 टीस्पून सॉल्ट। इसको अब हम हाई हीट के ऊपर उबाल आने तक पकाएंगे और फिर हल्की आग करके इसको हम तकरीबन आधा घंटा पका लेंगे। ये मैं बताना भूल गई थी, ये मेरे पास एक ऐसे बड़ा शलजम था जिसका मैंने ये हाफ ले लिया है, ये भी हम इसमें शामिल करेंगे। ये जो है बहुत अच्छा होता है, ख़ास तौर पे खांसी वगैरह के लिए सर्दियों में। ये क्लियर सूप तैयार है,
ये मैंने इसको 45 मिनट पकाया है। अब ये 1/2 टेबल स्पून लेमन जूस इसमें डाल दिया। सर्व करने से पहले इसको स्ट्रेन कर लें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।